प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर महोबा तिंदवावी संसदीय सीट से प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बुंदेलखंड के साथ पिछली सरकारों ने अन्याय किया, सपा और कांग्रेस ने यहां की जनता का शोषण किया और 2014 के बाद से ही बुंदेलखंड में विकास तेजी से हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में भारत का सम्मान बढ़ा है, विकास के कई काम हुए हैं और बुंदेलखंड को अब नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मेरे लिए तो महोबा की भूमि ऐसे लगती है जैसे हमारी अपनी भूमि हो, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने एक लंबे समय तक यहीं के गोरखगिरी में तपस्या की थी और आला उदल को अमरता का वरदान इसी धरती पर प्राप्त हुआ था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार गोरखगिरी के पर्यटन विकास की संभावना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, जब भी मैं बुंदेलखंड आता हूं, मेरे मन में लगता है कि वास्तव में बुंदेलखंड के साथ पिछली सरकारों ने कितना बड़ा अन्याय किया, कितना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यहां नदी है, यहां नाले हैं, यहां खनन है, यहां पर्यटन की संभावनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहां पर माफिया तो पैदा किए थे, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई जंगल के डकैत, लेकिन यहां की जनता के साथ यहां के विकास को अवरुद्ध करके यहां की जनता का उन्होंने शोषण किया है, उनके विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं बना पाए। और बहनों और भाइयों, महोबा के बारे में तो कहना ही क्या है, महोबा के बारे में कहा जाता है महोबा वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए। और बहनों और भाइयों, मैं नहीं समझ पाया कि आखिर आपने यहां पर पाप करने वाले, यहां के संसाधनों पर लूट मचाने वाले, यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले और यहां की बेटी और यहां की व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं पर अपनी वोट की मार क्यों नहीं दी, यही तो मैं कहने के लिए आज आपके पास फिर से आया हूं। यद्यपि 2014 में आपने निर्णय लिया, मोदी जी को अपना समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और देश के अंदर परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया। आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी और जब मैं बुंदेलखंड के अपने पहले दौरे पर आया था, मेरे साथ हमारे जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे और तब यही पुष्पेंद्र चंदेल मुझे मिले थे, तब यही राकेश गोस्वामी मुझे मिले थे, यही गंगाचरण राजपूत मुझे मिले थे, यही रामकेश निषाद हमारा जिला अध्यक्ष था और यही सब लोग उस समय मुझे कहे थे कि बुंदेलखंड के लिए कुछ होगा। हमने कहा बुंदेलखंड के लिए वह करूंगा जो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। और बहन और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को देखते हुए चलते हुए देखता हूं, फर्राटे से गाड़ियां यहां पर फर्राटा मरती है, तो मुझे लगता है कि हमारा बुंदेलखंड भी अब विकास की ऊंचाइयों पर छूने से कोई रोक नहीं सकता है।